ट्रीटमेंट करवाया मैंने क्लिनिक में, तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अभी, तो नहीं हो रहा कि... आप सभी को मेरा प्यार प्यार पहला, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनीषा उत्तराखंडी पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ एक नए दिन नई सुबह के साथ। आज हूँ मैं अपने मायके में, कल आई थी मैं अपने मायके राखी पे, तो आज जाएंगे हम। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9 और मौसम हो रहा है आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। धूप यहाँ इतनी तेज़ हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कल जब हम ऊपर को आ रहे थे रोड से तो हमें 10 बजे ही सांप दिख गए थे रास्ते में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। ये रहा पीछे हमारा ब्रोनो, ये हमारी बच्चियाँ पानी, क्योंकि ये जाएंगे अब ग्वाले को, जंगल जाएंगे ये चलने के लिए। तो अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं हुआ है, पापा भी चले गए हैं ड्यूटी, पापा भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, नहा भी लिया है। और मम्मी बना रही है यहाँ पे पराठे। मम्मी ज़्यादातर सुबह जब भी इनके जमाई आते हैं, जमाई आलू के पराठे ही बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी फरमाइश होती है आलू के पराठे खाने की। तो अभी बन रहे हैं आलू के पराठे। पापा ने जी बनाया ना गुलाती, पापा के लिए नहीं बनाया इसने आलू के पराठे, पापा को रोटी खिला के भेजा, और जवाई के लिए यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। जवाई भी घुस चुके हैं किचन में आलू के पराठे खाने के लिए। तो जैसे हम लोग आज निकलने वाले थे तो एक बुरी खबर मिल गई हमको, क्या कर रहे हैं? तो भी पापा भी आ गए हैं और हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। मम्मी और पापा भी आज जा रहे हैं, मम्मी अपने मायके जा रही है तो पापा और मम्मी भी जा रहे हैं। तो अब हम भी होते हैं तैयार, अभी डिसाइड नहीं है कि ससुराल को जाएंगे या भीमताल को जाएंगे। भीमताल तो जाना ही है आज शाम को, लेकिन पहले हम सोच रहे थे ससुराल जाना है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्वारब वाले पुल पे आ गया है पूरा मलबा, और मलबा आ रखा है रोड के ऊपर, तो बोल रहे कि रोड भी डैमेज हो सकती है। तो अभी जब मलबा हटेगा उसके बाद पता लगेगा। अभी तो फिलहाल मुझे अल्मोड़ा जाना है क्लिनिक में, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है तो वहाँ जाना है। अगर ट्रीटमेंट चलते चलते पुल मतलब सही है और मलबा हट गया तो हम ससुराल को जाएंगे, अगर नहीं हुआ उस टाइम तक तो फिर हम लोग बाई रानीखेत निकलेंगे भीमताल को। चलो देखते हैं फिर क्या होता है, पहले मैं हो लेती हूँ तैयार। मैं तो अभी तैयार हो गई हूँ और ये अभी तैयार हुए नहीं, मम्मी भी नहा धो के आ गई है। मम्मी का मन नहीं कर रहा है अपने मायके जाने का, लेकिन पापा को अपने ससुराल जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो इस वजह से वो जा रहे हैं। नाक में जवाई को लड्डू खिलाए मम्मी ने, और मेरे को लड्डू के लिए पूछा तक नहीं जबकि मैं ही लेके आई हूँ। निकलने लग गए हैं, मम्मी भी तैयार नहीं हुई है क्योंकि पापा पहले हमारे साथ नीचे कोसी तक आएंगे, फिर वहाँ से मिठाई लेके आएंगे, तब मम्मी आ जाएगी। है हाँ, पापा ऊपर को आएंगे तो नैनीहाल तो यहीं पर हुआ, यहाँ नहीं आएंगे, मम्मी आएगी देवस्थल पे। अभी हम लोग निकलने लग गए हैं और धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है और चप्पल ही छूट गया। बाय पुन्नू, वो नहाने के ऊपर बैठी है। रोड में पहुंचने वाले हैं, हस्बैंड को इतनी ज्यादा गर्मी लग गई, वो दिखाओ फैन कहाँ है, छुपा क्यों दिया, छोटू से फैन से हवा कर रहे हैं क्योंकि धूप ना बहुत ज्यादा तेज है। चलो आते टाइम तो नीचे को है डाउन, इतनी गर्मी नहीं लगती, लेकिन कल तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी हमारी, बट अभी ठीक है, लेकिन अभी धूप तो लगेगी जाने में। क्लिनिक भी पहुंच चुके हैं और ब्लड भी दिल ले लिया है डॉक्टर ने, अभी टाइम लगेगा, कुछ प्रोसेस होती है। हंस रही हूँ लेकिन डर भी बहुत लग रहा है, ट्रीटमेंट भी हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मेरे को, तो अभी हम चलते हैं ससुराल जाते हैं। तो अभी ना क्वारो वाली पुल पे आ रखा है पूरा मलबा, टू व्हीलर तो शायद से जाने दे रहे क्योंकि हमको तो रोका नहीं, हम चले गए थे, लेकिन ट्रक वगैरह सब रुके हैं यहाँ पे और टू व्हीलर ही जा रही है, फोर व्हीलर भी यहाँ पे रुकी है, कार वगैरह सारी गाड़ियाँ। अभी जब वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा ना कि पुल डैमेज है या नहीं है, उसके बाद शायद से इन गाड़ियों को जाने देंगे आगे को।
इतना ज़्यादा मलबा आ रखा है ना, पुल के ऊपर ही आ रखा है ये मलबा। तो अभी जेसीबी ने ये मलबा हटा दिया आधे आधा। उधर साइड से पुल बन रही है, खुदाई चल रही है, इस वजह से मलबा नीचे आ गया है। और अभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो कि अभी पुल अंकल लोग ना नीचे उतर रहे हैं, शायद वो देख रहे हैं कि पुल डैमेज है कि नहीं है। आप दोगे ही नहीं तो आएगा ही नहीं हो। तो हम लोग घर पहुंच गए, रोड खुल गई थी, मतलब टू व्हीलर्स और कार वार के लिए खुली थी, तो हम लोग घर पहुंच गए हैं। ट्रीटमेंट करवाया मैंने क्लिनिक में, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अभी तो नहीं हो रहा क्योंकि अभी ना वो सुन करने वाली इंजेक्शन लगी थी, तो इस वजह से सुन हो रहा था। उतने ज़्यादा नहीं हो रहा है दर्द, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द है, तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तो हम लोग अब गप्पे मार रहे हैं यहाँ पे बैठ के, खाना वाना हमने खा लिया है। अम्मा कैसे देख रही, तो यहाँ पे बिल्ली की चर्चा हो रही है। अभी सभी लोगों ने, हम तो चाय पीते नहीं है, मम्मी लोगों ने चाय पी ली है, और लोग यहाँ पे घूम रहे हैं ऐसे ही। बस थोड़ी देर में निकलते हैं भीमताल को, पता है को निकलने वाले हैं। तो मम्मी और आमा हमारे रखने लग गए हैं सामान यहाँ पे, भुट्टे वगैरह सब। काकुनी, आमा की भाषा में काकुनी, यहाँ की भाषा काकुनी है। हम वो घोग, इसको समझ आ गया, हम जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग जाने लग गए हैं, टाइम हो रहा है 5:30 होने वाला है, हम लोग जा रहे हैं भीमताल को। हालत खराब हो रही है लेकिन। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, वो रहा हमारा पुश्तैनी काम ना, वो रहा हमारा पुश्तैनी काम। टाइम तकरीबन 8 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच गए हैं भीमताल। तो ठीक है, आज के व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।